अस्सलाम वालेकुम आरवाई मीडिया टॉक्स में खुश आमदीद। और मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ। ये कराची प्रेस क्लब जाने के लिए मैंने रास्ता अख्तियार किया था। आपको अपनी गुज़िश्ता दो वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि जब मैं कराची प्रेस क्लब जाती हूँ तो यहाँ फुटपाथ को इलीगल चार्ज पार्किंग की नज़र किया गया, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है फुटपाथ पर चलने के लिए। दो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि फुटपाथ का वो एरिया जो है वहाँ से उसे बंद किया गया था और अतराफ में बाइक्स थी, लेकिन मैंने वकार जो यहाँ पर डेली वेजिस के हवाले से लड़का यहाँ मौजूद होता है और वो बताता है कि वो रोज़ाना 700 रुपये दिहाड़ी पर काम करता है ठेकेदार के पास। आप ये देखिए कि जब मैंने उसे कहा तो उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ये यहाँ से बाइक्स हटा देगा और उसने वैसे ही किया। आप ये देखें कि अब हमारे चलने के लिए जगह खुली हुई है, ऑल दो के लोग जो हैं वो यहाँ बाइक खड़ी है। देखें ये वकार ये खड़ा हुआ है और इसको मैंने रिक्वेस्ट की थी, वकास बहुत शुक्रिया तुमने कम से कम फुटपाथ चलने वालों के लिए तो रास्ता क्लियर कर दिया। इधर आ जाओ, ज़रा सा इधर आ जाओ। बताओ इन दो दिनों में जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम्हें क्या मुश्किलात पेश आई, ठेकेदार ने क्या कहा जब तुमने बात की? मैंने बात की, मैंने बोला कि लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है और कुछ मना किया हुआ है हमें तो करनी पड़ेगी। तो उसने बोला देखते हैं करते हैं। मैंने बोला देखते नहीं हैं, मुश्किल मेरे लिए हो रही है। तो उसने बोला ठीक है आप करो। असल में मुश्किल ये भी हो रही है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही है बाइकें सेट करने में। यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा बाइकें आ गई हैं, पर चलो लोगों के लिए अच्छा हो। ठीक है, चलो वकास शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने इस पर ठेकेदार से कह के अमल दरामद कराया। देखें ये पूरे शहर में चार्ज इलीगल चार्ज पार्किंग है, किसके अंडर में चलती? कंटोनमेंट के, कंटोनमेंट इजाज़त देती है ना वकास। देखें ये इन्होंने अब हमारे चलने के लिए रास्ता खाली कर दिया, शुक्रिया तुम्हारा। ये देखिए खास तौर पर आया था ये देखने के लिए कि मैं आई हूँ तो मुझे कोई परेशानी ना हो। मैंने कल आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने बोला दिखा दूंगा कि हमने कल से ही फुटपाथ खाली कर दी। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। मैं आज आ गई हूँ, देखें अब हमें चलने में कोई मसला नहीं है, अब हम ये चल सकते हैं। वहाँ से हमारे लिए रास्ता भी क्लियर है। ये देखें ये बाइक्स भी लगी हुई हैं सबकी, ये सब उसने नीचे उतार दी हैं। पहले ये फुटपाथ पर होती थी, अब उसने उतार के यहाँ रख दी हैं ताकि चलने वालों को मसला हो। देखो उसने अपनी तौर पर जो एफर्ट वो कर सकता था उसने कर दिया। यहाँ पर देख लें आप, चार लाइनें बनी हुई हैं, लोग जो हैं वो मज़े से फुटपाथ के एक साइड पर खड़े होकर बातें भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखें आप कोशिश कर सकते हैं, यहाँ तक इसके हाथ में था ये, इसने किया यहाँ तक और ये एरिया यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है। ये एक बाइक खड़ी है ये भी उतरी जाएगी, लेकिन आप ये देखें कि महज 30 रुपए के बस जो मुसीबत हमें झेलनी पड़ रही थी वो उसने क्लियर करा दी और अब हम आराम से जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि शहरी अगर कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। मैंने भी अपनी कोई जर्नलिस्ट होने की बुनियाद पर ये काम नहीं करवाया, एक शहरी होने के नाते ये काम कराया है। अपने हुकूक को समझें, अपने फराइज को समझें, जब आप इसे समझ जाएंगे तो बेहतर शहरी साबित होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जा रही हूँ प्रेस क्लब। अल्लाह हाफिज़।